गाइस वेलकम बैक। आज मैं एक ऐसी कंपनी और एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि इंडिया में कुछ समय पहले लॉन्च हुई है, और इस कंपनी से सिंपल वन कंपनी को थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाहिए। इस कंपनी ने इसी साल अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया और इसी साल इसी महीने में इन्होंने डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है। वही सिंपल वन कंपनी को लगभग 2 साल होने वाले और इनकी जो डिलीवरी का स्टेटस है मैं क्या ही बोलूं, मतलब गिन चुन के 50 गाड़ियां भी इन्होंने डिलीवरी नहीं की है। और वही ये कंपनी को देखिए, इस साल ही इंट्रोड्यूस की अपनी गाड़ी को और इस साल ही डिलीवरी स्टार्ट भी कर चुके। हम बात कर रहे हैं रिवर कंपनी जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसको कहा जाता है एसयूवी ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है ढेर सारी स्टोरेज, अंडर सीट स्टोरेज दिया गया और साथ में ग्लव बॉक्स भी दिया गया फ्रंट एंड में। इससे टोटल जो स्पेस होती है काफी ज्यादा हो जाती है। अभी इंडियन मार्केट में सबसे ज्यादा स्टोरेज वाला जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। ये जो गाड़ी है इसमें आप पायनियर्स भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए। इसके व्हील्स काफी बड़े हैं और व्हील्स बड़े होने के कारण जितने भी इंडिया के खराब रोड है और जितने भी पॉट होल्स है, बड़े बड़े बंपर्स है, उसमें से इजीली ग्लाइड करके चले जाती है। जितना भी शॉक होता है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में डुअल सस्पेंशन, फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक, बड़े बड़े हेडलाइट फ्रंट में। और ये थोड़ा सा बल्कि डिजाइन है, आई नो बल्कि डिजाइन है, लेकिन जो इस्तेमाल किया गया स्पेस का वो काफी अच्छा किया गया है। यहाँ पे एलईडी हेडलाइट विद एलईडी डीआरएस, अच्छा खासा आपको टीएफटी स्क्रीन देखने को मिलता है। इस गाड़ी की परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है और इस गाड़ी में स्टोरेज ज्यादा होने के कारण और जिस हिसाब से इस गाड़ी को बनाया गया उस हिसाब से जो रेंज है वो भी ठीक ठाक देखने को मिलती है। 1,25,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है और ये बैंगलोर में ही सिर्फ डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं और बैंगलोर से ही इन्होंने बुकिंग ली, ऑल ओवर इंडिया से नहीं ली है। उनको पता है जब हम स्टार्टअप कर रहे हैं पहले स्मॉल स्केल पे ही सेल किया जाता है, जैसे एथर एनर्जी ने स्टार्ट किया था। सारी कंपनी को वैसे स्टार्ट करना चाहिए। सिंपल वन ने बहुत लंबी छलांग लगाई थी और वो छलांग इतनी लंबी हो गई कि भैया दोनों जगह की दूरी दूर हो गई और बीच में सिंपल वन रह गया, यानी जहां से छलांग लगाई और जहां पहुंचना था वो इतना दूर हो गया कि बीच में सिंपल वन रह चुकी है। ऐसे में जो डाउनफॉल है सिंपल वन का आ चुका है। जितने लोगों ने बुकिंग किया था, सच बताओ तो काफी लोगों ने कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको उम्मीद खत्म हो चुकी थी। प्राइस तो ज्यादा हो ही चुका था, साथ में डिलीवरी भी इतना लेट हो रहा था कि भाई लोग परेशान हो रहे थे। वही इंडी कंपनी की बात करता हूं, फरवरी में इन्होंने गाड़ी लॉन्च की थी। यस, फरवरी में लॉन्च की थी। राइट नाउ इज अक्टूबर और उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है। हालांकि अगर बैंगलोर से बाहर है तो शायद आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, बट बैंगलोर में इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनके पास कोई एक्सपीरियंस सेंटर भी नहीं है, सच बताओ तो कुछ भी एक्सपीरियंस सेंटर नहीं, फिर भी डिलीवरी स्टार्ट कर रहे। वैसे भी ये फंड रेस कर रहे आगे के प्रोसेस के लिए। वैसे ये जो फंड का जो राउंड है वो $28 मिलियन का है, जिससे एक्सपीरियंस सेंटर, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सबको बढ़ाएंगे। और ये काफी अच्छा मूव है, कोई बड़ा अमाउंट ही नहीं लिया है, ये छोटे छोटे अमाउंट से अपनी चीजों को बढ़ा रहे हैं और उसी के थ्रू प्रोडक्शन करके गाड़ी को देना स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज रिकमेंडेबल। बहुत अच्छा लगा गाड़ी के। अगर फीचर्स की बात करो तो देखो स्पेस के बारे में पहले बता दिया, और एक और चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, इसका जो फ्लोर बोर्ड है फ्लैट है, वहां पे अगर सामान रखते हो तो भाई पैर कहाँ रखे, ऑब्वियसली बात है पैर कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे कंपनी ने इसका भी ध्यान रखते हुए फुटरेस्ट फ्रंट में फुटरेस्ट अलग से दिया है। अगर आपका जो फ्लोर बोर्ड है वो भरा हुआ है सामान से तो इजीली आप जो फुटरेस्ट है उसका यूज कर सकते हैं। और एक्चुअल में काफी सारे एसेसरीज भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, वो भी आप इनके वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल गाड़ी जिसको बोलते हैं ना वो यही है। वैसे कंपनी ये दावा भी कर रही है कि वो 2025 तक कैसे भी करके 1,00,000 गाड़ियां सेल कर देगी। अगर डिलीवरी इतनी तेज कर रहे हैं, अगर थोड़े बहुत इश्यूज भी आते हैं, अगर वो बैंगलोर में रहकर उस इश्यूज को फिक्स कर देते हैं, जो कि अच्छा मूव है, बहुत अच्छा मूव है, तो ये इनके लिए काफी आगे हेल्प करने वाला है। जिसे एथर ने बेबी स्टेप्स लिए, बड़े बड़े स्टेप नहीं लिए, बेबी स्टेप लिया। और बेबी स्टेप लेने में क्या होता है, बहुत हेल्प होती है कंपनी को ग्रो करने में। इस गाड़ी के कुछ फीचर्स बताता हूँ। 6.7 किलोवाट का यहाँ पे मोटर मिलता है, पीक पावर 26 न्यूटन का टॉर्क जनरेट करता है, बेल ड्राइव है, 0-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इन 3.9 सेकंड में कवर कर लेता है, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, 120 किलोमीटर की रेंज मिलती है। और जो 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक है ये इक्वलेंट टू ओला S1 प्रो जेन 2, बट उसमें ज्यादा रेंज है। इसमें कम रेंज क्यों है मैं बता देता हूँ। ओला S1 प्रो जेन 2 वो थोड़ी लाइटर साइड आती है, ये हल्की सी हेवियर साइड है, इस कारण से इसकी रेंज 120 किलोमीटर है। नहीं तो अगर ये भी हल्की होती तो ये भी काफी ज्यादा परफॉर्मेंस निकालती, क्योंकि मिड ड्राइव मोटर के साथ आती है, बेल ड्राइव सिस्टम दिया गया। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, क्योंकि इस कंपनी ने कुछ अद्भुत करके दिखाया, इस कारण से मैंने सोचा इसको कवर किया जाए। आई होप आपको ये न्यूज, ये अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फटाफट से कर दो। वी आर वेरी क्लोज टू 2.30 लाख सब्सक्राइबर, जल्दी से कर दोगे जैसे हम वहां तक पहुंच जाएंगे। देन कुछ अनाउंसमेंट है इस चैनल से रिलेटेड, वो भी मैं बताने वाला। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।